हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए ताकि हम लोगों को ज्यादा क्लियरिटी मिल सके, तो इसके लिए आप लोगों ने शिकायत एक की थी, तो मैंने आपकी बात रख लिया, आपकी बात मान ली। ठीक है दोस्तों, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और मेरी भी आपसे एक ख्वाहिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा भारी तादाद में सब्सक्राइब करिए चैनल को स्टडी विथ आकाश और केमिस्ट्री सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आज सीखते हैं। ये छोटा सा एक हमने एग्जाम्पल लिया है एल्कोहल का, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर सीखते हैं। बस मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको ये एग्जाम्पल लिया है ताकि आप देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं ऐसे ही लगा रहूंगा, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो हाँ यार, एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, जितनी ज्यादा मात्रा में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा मैं एक्साइटेड होकर वीडियोस बनाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर करने का तरीका। सबसे पहले हम लोग सब कुछ तो जान चुके हैं अल्कोहल का, अधिक तरह के हम लोग एग्जांपल्स कर चुके हैं इसके, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कर चुके हैं, तो ये हम लोगों ने एक सिंपल सा लिया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक लंबी चेन छांटते हैं, तो इसमें तो लंबी चेन एक ही नजर ही आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन यही नजर ही आ रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन छांट ली और फंक्शनल ग्रुप हमें मिल गया OH ग्रुप, मतलब ऑल है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स जो जुड़ेगा वो ऑल है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल चेन छांट ली, प्रिंसिपल चेन को आइए हम लोग दिखा देते हैं, ये हो गया हमारी प्रिंसिपल चेन। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो गई और इसमें तो सिंपल ये देखिए आपके सामने एक ही कार्बन नजर ही आ रहा है, एक कार्बन, सिंपल आपके सामने एक ही कार्बन है ना। तो एक कार्बन का आप लोग जानते हैं एल्क क्या होता है, मेथ, ठीक है, मेथ होता है। और क्या बचा हम लोगों के पास, ये बच रहा है ऑल, ठीक है, और CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, या तो मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो एक कार्बन का मेथ होता है और इसमें सिंगल बॉन्ड है, मेथ एन कर दिया हम लोगों ने। हाँ, अगर आप मेथेन कर दिए उसके बाद आपको ऑल जोड़ना है तो आपकी पोजीशन लिख भी सकते हैं, पोजीशन नहीं भी लिख सकते हैं। वन नंबर से जुड़ा हुआ है तो वन नंबर पे आप ऑल लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और हम, मैं आपको इसको करके दिखा दे रहा हूं दूसरा नोमेनक्लेचर, और क्या लिख सकते हैं इसको और। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं मेथेनॉल। देखो मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, इसमें आपको ये देखना रहता है मेथेन एन, एन के लास्ट में ई नहीं रहता है। ठीक है, मेथेन ऑल, मेथेनॉल, वन भी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों नोमेनक्लेचर जो है वो राइट है। ठीक है, तो ये थी आपकी नोमेनक्लेचर आईपीएससी की। और हाँ, आप बताइएगा व्हाइट बोर्ड पे आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।